दिल्ली में कौन कौन से मशहूर प्रसिद्ध स्थल है उनके बारे में हम जानेंगे। आज हम प्रश्न उत्तर उनके अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर लिखो। भारत की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। बच्चों मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं यहाँ पर आंसर उत्तर केवल उत्तर लिखते हूँ। आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस में, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है प्रश्न सहित। तो एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो। जो हम दिल्ली के बारे में जाने थे, कुतुब मीनार, लाल किला, संसद भवन और जमा मस्जिद, संसद भवन के बारे में हम पढ़े थे, राष्ट्रपति भवन के बारे में हम पढ़े थे पिछले क्लास में। तो भारत की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली है। तो केवल यहाँ पर उत्तर लिखती हूँ बच्चों, आपको क्या करना है, पूरी वाक्यों में उत्तर लिखना है। दीवाने आम किससे बना है? पहले इस पार्ट को मैं तीन तीन बार पढ़ने को बोली थी, आप पढ़ते पढ़े हो तो आंसर मालूम होता है, नहीं पढ़े हो तो नहीं आता आपको। तो दीवाने आम कौन से पत्थरों से बना है? लाल पत्थरों से। कौन से पत्थरों से? लाल पत्थर से। तीसरा, जमा मस्जिद किसके पास है? जमा मस्जिद लाल किले के पास है। लाल किले के पास। नई दिल्ली की शोभा कैसी है? नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। अनोखी है। मालूम करना है।
जाना है बच्चों, तो लाल किले के पास जमा मस्जिद, देयर इज अ रेड फोर्ट नियर जमा मस्जिद। दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है, कैपिटल सॉरी दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा आर द टू पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। सो दीज आर द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। सो इनका मैं व्हाट्सएप इमेजेस भेजती हूँ, इनको देखकर लिखना है, तब तक आपको चुप नहीं बैठना है, ट्राई करना है। नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। आपको तो मालूम है इनका आंसर, तो ट्राई करना है। इनका आंसर मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, सही शब्द यानी फिल इन द ब्लैंक्स। लाल किला डैश में है, लाल किला दिल्ली में है, खाली जगह भरो। दूसरा, कुतुब मीनार 2.5 फुट ऊंची है, 238। नेक्स्ट, दीवाने खास डैश से बना है, संगमरमर से। नेक्स्ट, जोड़ कर लिखो, मैच द फॉलोइंग। विधानसभा कहां पर है? विधानसभा बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु। ए हुआ सेवेंथ मेन, एट बेंगलुरु। सेकेंड वन, चामुंडी पहाड़ कहां पर है? आपको तो मालूम है चामुंडी पहाड़ मैसूर में, जो हर दशहरा दिन के चामुंडी पहाड़ में से जो टेंपल है देवी का उत्सव मनाया जाता है। कमल महल, कमल महल कहां पर है? हम्पी। नेक्स्ट, गोल गुंबस विजयपुरा। शब्द छोटे बड़े अक्षरों से लिखा है उनका क्या करना है? टिक करके कौन सा सही शब्द है उसको लिखना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, राजधानी राजधानी दिया गया है, यहाँ पर राजधानी लिखना है। कैसा? यहाँ पर दिया गया है राजधानी। नाइन वन, नमूने के अनुसार यानी वर्तनी शुद्ध करो। यहाँ पर वन दिया गया है, यहाँ पर
काउंट करना है और नगर नगर पावन ऐसे आपको पजल में पूरे कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट पढ़ो समझो उन्हीं शब्दों को लिखो। यहाँ पर कौन सा शब्द दिख गया है इनको यहाँ पर दोहराना है। तो ये हुआ दिल्ली एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आपको क्या करना है ए होमवर्क अलावा भी आपको नई दिल्ली के यहाँ पर पार्ट में दिए गए और उनको छोड़कर और कौन कौन से स्थान देखने स्थान है ना देखने लायक स्थान उनके नाम और वहां पर क्या क्या है उनको अपने 8-10 लाइन में लिखना है। यानी दिल्ली में दिल्ली का एक शॉर्ट नोट लिखना है। दिल्ली के बारे में एक 10 वाक्य लिखना है। सो वन मोर होमवर्क फॉर यू दिल्ली के बारे में 10 वाक्य 10 पंक्तियां आपको लिखना है। तो ए हुआ दिल्ली। नेक्स्ट आता है मेरी अभिलाषा पोयम जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा हुआ है। जो अभिलाषा अभिलाषा यानी क्या है हमारा आश पूर्वक हमारा एम जो आगे हमें क्या दिखता है हम कैसे निभाना चाहिए हमें ध्रुव से कैसे काम लेना है सेवा कैसे करना है त्याग हमें किस लिए हमें त्याग देना है हमें जीवन का मूल्य के बारे में इस क्या पद्य में हम समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिलाषा पोयम पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है पूरे हिंदी फेसबुक जो जो स्टूडेंट्स हिंदी फेसबुक कंप्लीट नहीं किए ना उनको कंप्लीट करना है और टीचर को व्हाट्सएप करना है। अच्छा बच्चों हैव ए गुड डे थैंक यू।